तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मैं सपासी बैक विद अनदर वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ मिड रेंज के बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आप खरीद सकते हैं कुछ 16,000 रुपये से 35,000 रुपये के दरमियान। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने पहली दफ़ा मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, मुझे सपोर्ट करने के लिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले रिसीव हो सकें। तो बिना आपका टाइम हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिड रेंज कैटेगरी होती है स्मार्टफोन्स की, ये आती है कुछ मतलब 15-16 हज़ार रुपये से, जहाँ तक जाती है कुछ 50,000 रुपये दरमियान के प्राइस टैग में जाती है। लेकिन आज की जो वीडियो है यहाँ पर मैं 35,000 रुपये की लिमिट रखता हूँ। यहाँ तक 16 से 35 तक मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताता हूँ जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होंगे और आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे ये स्मार्टफोन्स। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, तो जिस लिस्ट में पहला हमारा स्मार्टफोन है तो वो आता है टेक्नो का स्पार्क 4। अब देखो, टेक्नो का जो स्पार्क 4 है, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ पाकिस्तानी मार्केट में, तो कुछ 16,000 रुपीज़ है। अगर आप इसमें डिस्काउंट वगैरह लगाएं तो आपको कुछ 15,500 या फिर 15,300 कुछ पड़ सकता है। इसमें उनकी स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3GB रैम एंड 32GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ, यहाँ पे आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो इस रेंज का डिसेंट प्रोसेसर है। आप छोटी मोटी गेम्स वगैरह चला सकते हैं, मतलब गेम्स वगैरह चला सकते हैं, बट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा गेम्स चलाने से ये वाला फ़ोन। तो अगर मैं इसके कैमरेज की बात करूँ, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पर देखने को मिलता है, हमें नीचे की तरफ माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm का एक हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाता है। इसमें बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट की तरफ में आपको 6.7 इंचज़ की एक डॉट नॉच वाली स्क्रीन देखने को मिलती है, नॉच है ऊपर, बाकी तरफ एक अच्छी नॉच है। एंड स्क्रीन भी डिसेंट है, मतलब IPS पैनल है इस फ़ोन के अंदर। इसकी बैटरी की बात करिए तो 4000 mAh है। एंड ये मेरे लिस्ट का सबसे सस्ता फ़ोन है, तो आप इसे खरीद सकते हो। सो अपने लिस्ट के दूसरे फ़ोन पर आएँ तो ये आता है इन्फिनिक्स का, जो कि है इन्फिनिक्स का हॉट 8। दोस्तों, इन्फिनिक्स का जो हॉट 8 है, इसकी जो प्राइस है दोस्तों, ये है 19,000 रुपीज़। एंड 19,000 रुपीज़ में आपको क्या मिल रहा है? सो 19,000 रुपीज़ में आप ये थोड़ी सी प्राइस कम भी हो सकती है, 18 में चली जा सकती है। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या मिल रहा है? सो यहाँ पे आपको 4GB रैम एंड साथ 64GB स्टोरेज का कॉम्बो मिल रहा है। यहाँ पे आपको हीलियो P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सामने तरफ 6.7 इंचज़ की एक IPS LCD वाला डिस्प्ले है। बैक पे आऊँ तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इस फ़ोन में आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। तो ये एक डिसेंट फ़ोन है, आप खरीद सकते हो। सो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हम लोग आए, तो ये मेरा फेवरेट स्मार्टफोन जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इसका नाम है टेक्नो कैमन 12 एयर। दोस्तों, ये ऐसा फ़ोन है जिस पर हर बंदे ने बात की है। क्यों? दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको एक 5 होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5 होल कैमरा देखने को मिलता है। ये सिर्फ 20,000 रुपये में आता है, और शायद आपको 19,500 या 19 तक चला जाइए वाला फ़ोन। एंड अगर डिस्काउंट आप लोकल मार्केट से परचेस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों, ये वाला फ़ोन इतना सस्ता है, और ये पहला इतना सस्ता फ़ोन है इसमें 5 होल वाला आपको कैमरा देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डिसेंट किस्म का फ़ोन है, आप इसे ज़रूर से परचेस कर सकते हैं बिना मतलब कुछ सोचे समझे। और मैं आपको ज़रूर से ये वाला जो फ़ोन है वो ज़रूर रेकमेंड करूँगा, आप इसे खरीद सकते हो। इसमें आपको 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ में पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको 16MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है कोने में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ोन पसंद है। यहाँ पर जो अगला फ़ोन आता है तो ये आता है इन्फिनिक्स का S5। बस तो इन्फिनिक्स का जो S5 है, ये जो क्या आता है कुछ लगभग 23,500 में आपको 22 तक मिल जाएगा लोकल मार्केट से। यहाँ पे इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज जो कि इस फ़ोन में देखने को आपको मिल जाती है। फिर कैमराज की बात की जाए, आपको क्वाड कैमरा तो बैक पर देखने को मिलता है, एंड फ्रंट पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो सरप्राइजिंगली एक IPS पैनल है। बट जो कैमरा लगाया गया है वो है इन डिस्प्ले कैमरा, और ये 5 होल कैमरा है। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला फ़ोन भी, आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फ़ोन है ये वाला। नेक्स्ट फ़ोन की यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आता है Realme की तरफ से, जो कि है उनका Realme 5S। सो Realme 5S की हम बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। प्राइस अगर की बात करें तो 30,000 का है ये
कल परस मतलब 2 दिन 2 3 दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च हुए हैं, काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन। बैक पे बात की जाती है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट पे आपको एक डॉट नॉच देखने को मिलती है, एंड बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो ये फ़ोन भी आप इन कंसिडर ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। आपको इसमें 4 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, ये काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन है। सो लिस्ट में आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो फ़ोन आता है दोस्तों वो आता है हुआवे की तरफ से, ये है Y9 Prime। सो Y9 Prime एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव फ़ोन था जब ये आया था। इसमें जो प्राइस है दोस्तों, इसके प्राइस 36,000 रुपीज़ यानी आपको कुछ लगभग 34 तक मिल जाएगा, 33 तक भी मिल जाएगा अगर बॉक्स ओपन हो तो 32-33 तक। सो इस फ़ोन में आपको ऊपर की तरफ से राइजिंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसे हम लोग राइजिंग कैमरा कहते हैं, एंड पॉपअप सेल्फी कैमरा भी कहते हैं। यहाँ पे आपको 16 MP वो वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, यहाँ पे क्वाड ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक पर, एंड दिस फोन इज़ वेरी अमेजिंग है। 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, ये बहुत अच्छा फोन है। लाइक अब मैं आपको बताया 32-33 आपको हमें मिल जाएगा मार्केट में। तो इस लिस्ट के हम लोग लास्ट लास्ट फोन की बात करें तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है इनफिनिक्स का, ये है दोस्तों वीवो का S1। अब दोस्तों वीवो का जो S1 है, एक काफ़ी अमेजिंग स्मार्टफोन, 36,000 के प्राइस रेंज में आता है, ये आपको 34 तक मिल जाएगा लोकल मार्केट से, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें अगर बात की जाए तो हमको आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है आपको, जो कि वीवो की टेक्नोलॉजी है और एक काफ़ी फास्ट वर्क करता है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसके बैक की बात करूँ तो ग्लॉसी डिज़ाइन है विद ट्रिपल कैमरा सेटअप, मुझे बहुत पसंद आया इसके जो ग्लॉसी डिज़ाइन, और अभी तक इस प्राइस रेंज में इससे अच्छे डिज़ाइन तक किसी फोन का हमें देखने को नहीं मिला। इसमें अगर बैक की बात करें, हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फ्रंट पे आपको 32 MP का डॉट नॉच के कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अगर स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज आता है, और ये लिस्ट का महंगा तरीन फ़ोन है, मतलब सबसे ऊपर का फोन है जो मैंने आपको इस लिस्ट में बताया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए ताकि मुझे सपोर्ट भी मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट मुझे नहीं जाता नेक्स्ट वीडियो तकलीफ, अल्लाह हाफिज़।